बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म मैदान के रिलीज में लगभग 48 घंटे का बचा इंतजार, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग की थम सी गई है रफ्तार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म मैदान के बारे में, जो कि 11 अप्रैल 2024 के दिन इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ईद के मौके पर काफी बड़े लेवल पर रिलीज होने वाली। तो अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि पहले ये फिल्म 10 अप्रैल के दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग को कोई इतना खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, जिसके चलते फिल्म को 11 अप्रैल के दिन रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि इस दिन हॉलीडे पड़ रहा है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि हॉलीडे वाले दिन फिल्म को काफी अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन फिल्म को एक दिन आगे बढ़ाने के बाद भी फिल्म की एडवांस बुकिंग में कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिला। जी हां, अभी भी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग लगभग 27,38,000 रुपए की हुई है। ऐसे में ये कहना गलत ही हुआ कि ये फिल्म मुश्किल से अपने रिलीज तक लगभग 2 से 3 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग कर पाएगी और अपने पहले दिन मुश्किल से 10 करोड़ की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से और लगभग 15 करोड़ की कमाई वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से कर पाएगी, जो कि फिल्म के बजट के हिसाब से काफी कम होने वाली। जी हां, फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, लेकिन बुक माई शो पर फिल्म का काफी अच्छा हाइप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, फिल्म ने बुक माई शो पर BMCM को भी पीछे छोड़ दिया है और फिल्म को बुक माई शो पर लगभग 1,60,100 इंटरेस्ट मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म के एडवांस बुकिंग में कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में इस फिल्म का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। तो आप सभी को क्या लगता है, ये फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से करेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।